नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल धर्म की बातें पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि श्री रामचरितमानस रामायण को नित्य किस प्रकार पढ़ा जाए। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको पुस्तक के बारे में जानकारी दे देता हूं कि ये पुस्तक कहाँ किस प्रकाशक की है और कितने में मिली है। तो ये पुस्तक श्री रामचरितमानस की गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है और इसका रेट कितना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मुझे 300 रुपये में मिली हुई है, ये आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। और इसकी श्री रामचरितमानस की जो पढ़ने की विधियाँ हैं वो भी इस पुस्तक में विस्तार से दी गई हैं। ये तो पहले सूची दी गई है कि कहाँ से रामायण शुरू होती है, उसमें कितने कांड हैं। सबसे पहले बालकांड आता है, यहाँ पर आप लिखा हुआ है देख सकते हैं बालकांड। बालकांड के बाद अयोध्या कांड है, अयोध्या कांड के बाद अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, और उत्तर कांड में ये रामायण समाप्त हो जाती है। और उसके बाद इस रामायण की पढ़ने की जो विधियां हैं, कोई इस रामायण को नित्य ही पाठ करता है, कोई माघ के पवित्र महीने में पाठ करता है तो ये पूरे महीने के लिए दिया गया है। अगर आप पूरे महीने रामायण पाठ करना चाहते हैं तो हर एक दिन के हिसाब से कि कितने दोहे और कितने पेज पढ़ना है इसमें दिया गया है और 30 दिन में रामायण ख़त्म हो जाती है। कोई नवरात्रि के समय भी इसका पाठ करता है तो इसमें 9 दिन के विषय में बताया गया है कि इसमें आप पहला विश्राम, दूसरा और तीसरा, चौथा, पाँचवा और 9 विश्राम तक इसको किस प्रकार पढ़ सकते हैं। तो ये हो गई 2 विधियाँ। कुछ लोग अपने यहाँ अखंड रामायण का भी पाठ करते हैं तो 24 दिन में रामायण ख़त्म हो जाती है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे चित्र भी दिए हुए हैं। इस रामायण के रचयिता श्री तुलसीदास जी बैठे हुए हैं। ये गरुण जटायु जी का है जब वो अपना देह त्याग करके जाते हैं। ये हनुमान मिलन का है जब श्री राम जी और हनुमान जी का मिलन होता है। हनुमान जी जब लंका की ओर जाते हैं। ये लंकेश रावण जी भी हैं यहाँ पर। ये भगवान पुष्पक विमान से वापस आ रहे हैं अयोध्या की तरफ। ये इधर श्री राम दरबार की झांकी भी रखी हुई है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ श्लोक पढ़ने का सबसे सरल तरीका। इससे इजी कोई तरीका नहीं है। अगर आप श्लोक पढ़ना चाहते हैं तो आप श्लोक में मैं जूम कर देता हूँ। श्लोक को आप दो से तीन भागों में बांट लीजिए। जैसे ये लिखा हुआ है वर्णा नामार्थ संघाना, तो आप इसको 2-3 भागों में पढ़िए। जैसे कि ये हो गया वर्णा नामार्थ संघाना। अब इसको पढ़ना तो एक ही शब्द है, इसको आप पढ़ सकते हैं रसा नाम। फिर उसके बाद छंद साम अपि, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं छंद साम अपि। इसको पढ़ना है तो मंगला नाम चाकर तारो वंदे वाणी विनायको। अब जैसे वाणी विनायको पढ़ना तो इसको आप 2 शब्द में विभाजित कर सकते हैं, वाणी और विनायको। उसके नीचे वाला श्लोक भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, भवानी शंकरो। जैसे भवानी शंकरो लिखा हुआ तो इसको आप 2 भाग में विभाजित कर सकते हैं, भवानी और शंकरो। वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, देखिए इस शब्द को मैंने 3 भागों में विभाजित कर दिया, श्रद्धा विश्वास और रूपिणो। तो उसके नीचे आती है लाइन याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांता स्थामीश्वरम। तो इसमें एक एक शब्द हैं तो आप इसको सिंपल पढ़ सकते हैं, याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांता स्थामीश्वरम। तो ये तो हो गई श्लोक पढ़ने की बात। अब चलिए इसमें दोहा भी देख लेते हैं कि दोहा कहाँ पे आया है। ये पहले सोरठा देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे सोरठा लिखा हुआ है। ये पूरी रामायण जो लिखी हुई है चौपाई में लिखी हुई है। अब शुरू में श्लोक आते हैं, उसके बाद छंद और सोरठा, इस तरह की रचना तुलसीदास जी ने की है। तो ये पर देखिए मैं सोरठा पढ़ना आपको बता देता हूँ। जो सिमिरत सिद्धि होय गण नायक करीवर बदन करहूँ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। श्री गणेश जी की वंदना की गई है तुलसीदास जी के द्वारा। अब चलिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर दोहा आया है। तो दोहा पढ़ने के लिए आप इसको इस तरह मैं पढ़ता हूँ, मैं अपनी पढ़ने की विधि बता देता हूँ। सुन ही समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लह ही चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम की जय जय सीता राम हरि। इसको मैं इस तरह पढ़ता हूँ दोहा।
चलिए चौपाई के बारे में भी जान लेते हैं, चौपाई किस तरह पढ़ी जाती है। तो मैं इस चौपाई को पढ़ के आपको बता देता हूँ। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट्ट सास बाहु से। चौपाई नहीं है क्या? जे पर दोष लखन सहसाखी, पर हित ग्रह तिजिन के मन माखी। तेज कृषानु रोष महिषेशा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। उदर केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। इस तरह आप चौपाई का पाठ कर। अगर आप रोज़ इस रामायण का पाठ करना चाहते हैं, अगर किसी को टाइम नहीं मिलता है तो वो दो या तीन दोहे, पांच दोहे भी इस रामायण को पढ़ सकता है। लेकिन रामायण का अंत, रामायण को बंद करते समय जब आप लोग रामायण को ख़त्म करें तो हमेशा राइट हैंड साइड के दोहे में ख़त्म करें, जैसे ये राइट हैंड साइड का दोहा है, और फिर अगले दिन जब रामायण शुरू करें तो इसी दोहे से स्टार्ट करें। तो इस तरह ये रामायण हमेशा अखंड बनी रहती है, क्योंकि ये रामायण हमेशा अखंड चलनी चाहिए। और इस तरह आप रामायण का पाठ कर सकते हैं। अब कहीं छंद, छंद मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पे छंद मिलता है तो पढ़ने के लिए। छंद छंद ये देखिए छंद आ गया है, इसको इस तरह आप पढ़ सकते हैं। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गतिकूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन नाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली, हो ही सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। इस तरह आप छंद भी पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको दोहा, छंद, सोरठा और चौपाई पढ़ना समझ में आ गया होगा। तो इस तरह ये रामायण पढ़ी जाती है। एक बार और देख लीजिए। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें।